उस महिला के यहाँ से पैंट फटी हुई थी, यहाँ से घुटने से ऊपर का वो हिस्सा था, खुद ही वीडियो में दिखा रही थी। और रात को 1:30 बजे वो छोड़ देती है कि पुलिस वाले छोड़ दे जाओ, और रात में 1:30 बजे उस पत्रकार के, आप जैसी बहन थी, अगर आपको रात में 1:30 बजे जहाँ पे कोई ना हो अकेले छोड़ दिया जाए, तो आपके साथ आप कैसा वहाँ पे एहसास महसूस करेंगी। ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि योगी मोदी कहेंगे तो इस्तीफा दूंगा, तो योगी मोदी कहे क्यों नहीं रहे? योगी जी और मोदी जी बोलेंगे तो उनके कहने पे गया था शोषण करने ब्रजभूषण है, उनके कहने पे गया था। और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, इन्हें टूलकिट कह रहे हैं, इन किसानों को टूलकिट कह रहे हैं। अरे वो तो पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक मैसेज वायरल करेंगे, फॉरवर्ड भैया आगे बजरंग दल में फलाने ग्रुप में इसको पोस्ट करते जाओ, और इनको कह दो टूलकिट, और इनको बना दो ये राजनीति है, ये खालिस्तानी है। अभी तो इसलिए मेडल देने की बात कर रहे हैं, अगर उनको सरकार ये जब इनके अस्तित्व को सम्मान नहीं दे रही, इनके शोषण के जो हुआ है उसके लिए यहाँ पे उनका साथ नहीं दे रही, तो सरकार का मेडल लेके झुंझुना नहीं बजाएंगे वो। नजर आपसे एक सवाल रहेगा, यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बात लगातार की जा रही, लेकिन अगर मान लेते गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा, प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा? गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों नहीं गिरफ्तारी होगी? सरकार चाहेगी तो गिरफ्तारी होगी, और आप बोले गिरफ्तारी नहीं होगी तो गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? गिरफ्तारी होनी होती है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ ना, गिरफ्तारी होनी होती तो होती, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं होगी। शोषण करने वाला खुलेआम घूम ही रहा है। उनकी गिरफ्तारी करे, अमित शाह को बोलना चाहिए, मोदी को बोलना चाहिए कि भैया तेरे ऊपर तो इल्जाम लग रहे हैं शोषण के, पोस्ट को जैसी धारा दर्ज है, तेरे को अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए। ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि योगी मोदी कहेंगे तो इस्तीफा दूंगा, तो योगी मोदी कहे क्यों नहीं रहे? योगी जी और मोदी जी बोलेंगे तो उनके कहने पे गया था शोषण करने ब्रजभूषण है, उनके कहने पे गया था, और वो तो साफ साफ उन्हें चुनौती दे रहा है कि भैया अगर मेरी गिरफ्तारी हुई, अगर मैं अंदर गया, तो मैं तो 6 बार से गोंडा का सांसद हूँ और मेरा पूरा परिवार ही बीजेपी में, तो सारा समर्थन खो बैठना, समझ गए? मतलब कि माना जाए सरकार की चुनौती, ये ब्रजभूषण की चुनौती, मेरा दामाद उसमें, मेरा बेटा उसमें है, मैं खुद उसमें हूँ, मेरी बीवी सांसद है, अगर मेरी गिरफ्तारी हुई, साला भी है, दामाद भी है, सारे लोग उसमें, अगर मेरी गिरफ्तारी की तो आपकी मतलब सरकार गई, समर्थन गया सीधा सीधा। तो सरकार को अगर मैडम दिख रहा है कि महिलाएं बैठी हुई है, खिलाड़ी बैठी हुई है, तो सरकार चुप क्यों है? आप ये बताइए, यहाँ पे सारी पार्टी के नेता आ रहे हैं, छात्र आ रहे, युवा आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं। तो ये जा रहे कि राजनीतिक बनाया जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं? राजनीतिक बनाया जा रहा है इसको। मैं बता दूँ राजनीतिक कौन बना रहा है? राजनीतिक उन्होंने बनाया जो यूट्यूबर बैठे हुए ना और कह रहे टूल किट है, वो किन्हें टूल किट कह रहे हैं? मुझे टूल किट कह रहे हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, इन्हें टूल किट कह रहे हैं, इन किसानों को टूल किट कह रहे हैं। अरे वो तो पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक मैसेज वायरल करेंगे, फॉरवर्ड भैया आगे बजरंग दल में फलाने ग्रुप में इसको पोस्ट करते जाओ, और इनको कह दो टूलकिट, और इनको बना दो ये राजनीति है, ये खालिस्तानी है। अभी तो कुछ दिनों बोलेंगे ये सारे खालिस्तानी आ गए हैं यहाँ पे, अभी तो कुछ दिनों में एक और बयान आने वाला है, एक और शब्द निजात आने वाला है कि यहाँ पे खालिस्तानी भी आके सपोर्ट कर रहे हैं। खालिस्तानी की आपने बात की, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो तमाम वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद ही तो कहा जाने लगा कि खालिस्तानी वायरल हो गई, यहाँ वीडियो वायरल हो गई, तो नहीं कहा जा रहा पहले, अभी टूल किट तो बोला जा रहा है, कौन है टूल किट? मैं टूल किट हूँ, कौन है टूल किट ये बता दो। अगर देश का किसान यहाँ पे आ रहा है और भी सभी पार्टी के लोग आ रहे, तो वो क्या टूल किट है? वो देश की तानाशाह के विरोध में यहाँ पे आ रहे हैं और महिलाओं के समर्थन में यहाँ आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो गलत का विरोध करते हैं और सही के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है कि यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो कहा तो जा रहे हैं बाकी राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेक रही है। भैया वो राजनीतिक पार्टी रोटियां नहीं सेक रही, यहाँ पे क्या चुनाव वोट मांग रही है? और प्रधानमंत्री तो राजनीतिक रोटियां तो प्रधानमंत्री कर्नाटक में जब नुकसान होगा यहाँ पे वोटों का मोदी सरकार को, तो फायदा तो फिर विपक्ष को ही होगा ना? तो मैडम विपक्ष को होगा ना, क्योंकि विपक्ष महिला के साथ खड़ी है, अगर उन्हें नुकसान नहीं सहना ना भाजपा को, तो वो आ जाए महिला के साथ में खड़े हो जाए। अगर एक मिनट ये बताओ, अगर भाजपा को नुकसान हो रहा है, उन्हें अंदर से ये आवाज आ रही है कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो महिला के आगे आके खड़े हो जाए, समर्थन में खड़े हो जाए? और जो पहलवान यहाँ पर मेडल वापस देने की बात कर रहे हैं, वो मेडल इसलिए वापस देने की बात कर रहे हैं, एक मिनट सुन लो, वो इसलिए मेडल देने की बात कर रहे हैं, अगर उनको सरकार ये जब इनके अस्तित्व को सम्मान नहीं दे रही, इनके शोषण के जो हुआ है उसके लिए यहाँ पे उनका साथ नहीं दे रही, तो सरकार का मेडल लेके झुंझुना नहीं बजाएंगे वो उनको लौटा देंगे, ये उनका विरोध करने का एक माध्यम है, ये भी सरकार को विरोध प्रकट करने का एक माध्यम है। अपनी इज्जत बढ़ी जाए, अपना मेडल बढ़ा, अपनी इज्जत बढ़ी जाए, मेडल बढ़ा, किस काम का? लेकिन यहाँ पर बिल्कुल माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक और आखिरी सवाल रहेगा कि जो आंदोलन लगातार चल रहा है, 13 दिन हो
चुके हैं, धूप है, गर्मी है, लगातार देखा जा रहा है, बरसात भी है, और यहाँ पर जो परसों जो रातों रात हुआ वो सबने देखा, तो उस बात को लेकर फिर सरकार के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? सरकार तो जब इनका खिलाड़ियों का साथ नहीं दिया, आप जैसे पत्रकार एक बहन थी साक्षी जोशी, उसको पुलिस ले गई डिटेन करके और वहाँ पे थाने के पास छोड़ दिया रात को 1:30 बजे। उस महिला की यहाँ से पैंट फटी हुई थी, यहाँ से घुटने से ऊपर का वो हिस्सा था, खुद ही वीडियो में दिखा रही थी, और रात को 1:30 बजे वो छोड़ देती है कि पुलिस वाले छोड़ दे जाओ, और रात में 1:30 बजे उस पत्रकार के, आप जैसी बहन थी, अगर आपको रात में 1:30 बजे जहाँ पे कोई ना हो अकेले छोड़ दिया जाए, तो आपके साथ आप कैसा वहाँ पे एहसास महसूस करेंगी? आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा वहाँ पे? और ना पुलिस ना अमित शाह, उनको सिर्फ ये आंदोलन भंग करना है। यहाँ बैठ के सुनी नहीं जा रही है, तो फिर क्या करेंगे? कदम क्या है? लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, फिर FIR दर्ज हुई, आज भी उनके बयान नहीं नोट हुए। अब देखो पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धाराएं लगी हुई हैं, ठीक है ना? इसमें अगर आम आदमी कोई होता तब तक कब का अंदर होता? मैं यहाँ पे अब ये बात है, मैं हर मीडिया से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इनकी बेटी की आवाज़ हमारा काम है, हम छात्रों का काम है, हम किसानों का काम है, हम जितने भी यहाँ पे देश के लोग अभी यहाँ मौजूद है, सबका काम है इनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाना। मतलब अब ये आवाज़ है ना, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे हरियाणा में आ रहे हैं, पहलवाने के ऊपर बायोपिक बनाते हैं और कहते हैं हमारी छोरिया के छोरे से कम है, सुल्तान ने सिर्फ एक आदमी हरा सके वो खुद सुल्तान, तो कहाँ है सलमान खान और कहाँ है आमिर खान? वो सिर्फ इनके नाम से, पहलवानों के नाम से पैसा कमाना जानते हैं, अर्निंग का सोर्स समझ लिया है, पर इनके समर्थन में उनके नाम से कोई ट्वीट नहीं आया है, ना खुद वो यहाँ पे आए हैं, वो इतने बिजी हैं कि वो ट्वीट भी नहीं कर सकते। और वो अमिताभ बच्चन वो कहाँ पे है? दहशत है, बिजी नहीं है, दहशत है, डर है। कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, उनके ऊपर बिल्कुल डर है, कहीं मेरे घर पे ईडी ना भेज दे, CBI ना भेज दे। ये बताओ, देश के तमाम नेताओं के पास ईडी और CBI जा रही है, तो बीजेपी के नेता क्या दूध से धुले हुए हैं? उनके पास यहाँ पर की कहीं ना कहीं तमाम तरीके के सवाल लोगों ने खड़े कर दिए कि क्या यहाँ पर सरकार दूध की धुली है, ये भी सवाल यहाँ पर होता नजर आया, और सरकार के लगातार यहाँ पर नारे लगते हुए नजर आ रहे, लेकिन अभी भी यही माना जा रहा है कि शायद जल्द से जल्द न्याय मिलता नजर आएगा, लेकिन अभी भी इंतजार बाकी है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता तक।